तो ट्रेनिंग के बाद अभी हमें पेड टास्क मिला है। एग्जाम तो नहीं कर सकते तो चलो इसको कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, इनफर्ड जर्मन लैंग्वेज में है और इसकी सही ट्रांसलेशन जो है वो हॉर्स है। नेक्स्ट, वो सेंट मामा एंड पापा, अगेन इन जर्मन। सो बेस्ट ट्रांसलेशन दोनों है, लेकिन यहाँ पर साइन अप इंटरोगेशन है और यहाँ पर भी है, तो हम फर्स्ट वाला लगा लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर एक और जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंस है। तो हमने जस्ट ट्रांसलेशन को देखनी है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जुमला जो है वो बेस्ट लग रहा है, तो हम सेकंड वाला लगा लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं, अगेन एक सेंटेंस है, दो ट्रांसलेशन दिए गए हैं और दोनों सेम है, सेम मीनिंग के हैं, तो हम सेम लगा लेते हैं। नेक्स्ट, एक और जुमला है और यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला जुमला है वो ज़्यादा बेटर है, तो हम सेकंड वाला लगा लेते हैं। नेक्स्ट, अगेन एक जुमला है और दो ट्रांसलेशन है, दोनों सेम है, जस्ट ओल्ड एंड न्यू ग्रामर की फ़र्क है, तो हम सेम लगा लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर अगेन दोनों सेम है, द सेवन कैट, तो हम सेम लगा लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर वर्क और वर्क तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो हम फर्स्ट वाला लगा लेते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट एंड अमाउंट, अगेन कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, तो हम सेकंड वाला लगाते हैं। यहाँ पर ईमेल को देख ले और ईमेल की रू से ये वाला ठीक है, तो हम सेकंड वाला लगाते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये हमारा पहला टास्क था पॉइंट 10 का। फिर अगेन न्यू टास्क है पॉइंट 10 का, तो इसके लिए हम दोनों सेम लगाते हैं, यूज़ अप नेचुरल रिसोर्सेस। स्क्रॉल करते हैं, हेलो मिस्टर टेलर एंड हेलो मिस्टर वट एवर दे आर, सो दिस नेम एंड दिस नेम आर सेम, सो वी विल सेलेक्ट सेकेंड। स्क्रॉल करते हैं, इंडिविजुअल कंटेक्ट एंड इंडिविजुअल कंटेंट, सो इंडिविजुअल कंटेक्ट सही है, तो हम पहला वाला लगाते हैं। स्क्रॉल करते हैं, लिसन एंड सिंग, वी लिसन एंड सिंग, सो सेकेंड वाला बेटर है, तो सेकेंड वाला लगा ले। स्क्रॉल करते हैं, मी नॉट एंग्री, ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो सेकेंड वाला। फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन है, आई थॉट द राइट आंसर। स्क्रॉल करते हैं, स्टार्ट हेयर यू बिगेन, सो यू बिगेन वाला सही है। नेक्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट वाला, व्हाट डू यू मीन, दो इमोजी है, तो यहाँ पर भी दो इमोजी है, तो फर्स्ट वाला ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ओके बेस, तो यहाँ पर ओके सी यू लेटर वाला ठीक है। स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एक और सेंटेंस है, बाय द वे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पॉइंट 10 का दूसरा टास्क। जाते हैं तीसरे पर। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ट्रांसलेशन है वो है वेडिंग डिनर। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर बेस्ट ट्रांसलेशन जो है आई हैव फैक्चर है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है MT 100 mm फुल, ये वाला ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला लगा देते हैं, आई वैक्सीनेटेड एंड आई वाज 18 2021, यू आर स्टिल नॉट इनवाइटेड इनवाइटेड, सो फर्स्ट वाला लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर तो ही गोज ऑन ट्रिप, फर्स्ट वाला लगा लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर इफ़ एनीवन नो अबाउट माय लैंड्री प्लीज़ लेट मी नो, तो फर्स्ट वाला लगा लें। स्क्रॉल करते हैं, मूनलाइट में रेन, सेम लगा लें, दोनों ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ इस साइड को देख ले, इस साइड के मुताबिक जो सही वाला है ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट वाला लगा ले। बाइंड इम्प्रेशन एंड पिक्चर, सो पिक्चर को कहते हैं, तो पिक्चर सेलेक्ट कर ले और सबमिट कर ले। तो
तो इसी तरह हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर रिव्यू है, तो आपने जस्ट फेज को रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आए हुए। तो चलो हिस्ट्री में देख लेते हैं, प्रोफाइल हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट ट्रांसलेशन वाला जो टास्क हमने किए वो एक्सेप्ट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।